भाजपा शायद विश्व का पहला राजनीतिक दल है जिसमें कब कोई विधायक मुख्यमंत्री बन जाए या कब एक मुख्यमंत्री सांसद बन जाए किसी को पता नहीं होता। कुछ महीनों पहले तीन राज्यों और अभी कुछ हफ्तों पहले हरियाणा में जो राजनीतिक फेरबदल हुआ वो सबसे बड़ा उदाहरण है। आगामी लोकसभा चुनाव में भी कुछ इसी तरह की तस्वीर बनते दिखाई दे रही है। भाजपा अपने 6 पूर्व मुख्यमंत्रियों को सांसदी लड़वा रही है। इस लिस्ट में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर से लेकर त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे बिप्लव कुमार देव का नाम शामिल है। इस वीडियो में हम आपको भाजपा के उन मुख्यमंत्रियों के बारे में बताएंगे जो आम चुनाव लड़ने वाले हैं और साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि उनकी संपत्ति कितनी है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम ताजा मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले मनोहर लाल खट्टर का है। मनोहर लाल के पास 1,27,00,000 रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। 2019 में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए शपथ पत्र में उन्होंने बताया था कि उनके बैंक अकाउंट में करीब 2,50,000 रुपए जमा है। 2019 में उन्होंने यह भी बताया था कि उन्होंने करीब 5,00,000 रुपए का एक पर्सनल लोन भी ले रखा है। अचल संपत्ति की बात करें तो उनके पास 50,00,000 रुपए से ज्यादा की कृषि योग्य भूमि है। उनके पास एक घर भी है जिसकी कीमत करीब 3,00,000 रुपए है। दूसरा नाम कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का है। उनके पास 42,15,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है जिसमें हिंदू अविभाजित परिवार के 19,02,00,000 रुपए शामिल है। हलफनामे के अनुसार बोम्मई ने 26 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए धारवाड़ के हुबली तालुक के तरीहाला गांव में लगभग 3 एकड़ जमीन खरीदी थी। 2023 के इस शपथ पत्र के मुताबिक बोम्मई और उनके आश्रितों के पास कुल मिलाकर 52,12,00,000 रुपए की संपत्ति है। बोम्मई पर 5,79,00,000 रुपए की देनदारी भी है। इस लिस्ट में तीसरा नाम मध्य प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान का है। साल 2023 में उनकी कुल संपत्ति 3,21,00,000 रुपए थी जबकि उनकी पत्नी साधना सिंह की कुल संपत्ति 5,41,00,000 रुपए थी। 5 साल पहले शिवराज सिंह चौहान की संपत्ति 3,26,00,000 रुपए थी। इसके अलावा शिवराज की चल संपत्ति 1,11,20,282 रुपए, अचल संपत्ति 2,10,00,000 रुपए थी। इनकी पत्नी साधना सिंह की चल संपत्ति 1,09,14,644 रुपए थी। साधना सिंह की कुल अचल संपत्ति 4,32,00,000 रुपए थी। वहीं चौथा नाम किरण कुमार रेड्डी का है। अविभाजित आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके किरण रेड्डी के पास करीब 19,00,00,000 रुपए की संपत्ति है। उनके पास हैदराबाद के जुबली हिल्स में एक बंगला है जिसकी कीमत करीब 9,00,00,000 रुपए है। किरण रेड्डी गाड़ियों के भी शौकीन है। इनके पास मारुति, महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा XUV और वॉल्सवेगन जैसी कार है। पांचवें नंबर पर उत्तराखंड के पूर्व CM त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उनके पास 56,000 रुपए कैश हैं, जबकि उनकी पत्नी के पास 32,000 रुपए हैं। उनके बैंक अकाउंट में 59,88,913 रुपए जमा हैं, जबकि पत्नी के बैंक खाते में 94,80,261 रुपए जमा हैं। इसके अलावा कुल चल संपत्ति की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास 62,92,113 रुपए की चल संपत्ति है। दूसरी तरफ उनकी पत्नी के पास 1,01,92,061 रुपए की चल संपत्ति है। अंतिम और छठे स्थान पर हमने त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव का नाम रखा है। उनके पास करीब 52,000 रुपए कैश है जबकि पत्नी के पास करीब 2,400 रुपए कैश है। विप्लव देव के अलग अलग बैंक अकाउंट्स में करीब 92,78,838 रुपए जमा है जबकि पत्नी के बैंक खातों में करीब 1,07,47,000 रुपए जमा है। साथ ही विप्लव कुमार देव के शपथ पत्र के अनुसार उनके पास करीब 1,89,17,755 रुपए की अचल संपत्ति है। इनकी पत्नी के पास करीब 61,00,000 रुपए की अचल संपत्ति है।